नमस्कार आप सभी को, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज प्रोबेबिलिटी लेक्चर नंबर 4 में एक्सियोमेट्रिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी के बारे में बताऊंगा। एक्सियोमेट्रिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी के बारे में बताने के पहले मैं कुछ टर्म्स के बारे में आपको परिचित कराऊंगा। मेरा पीछे वाला यूट्यूब लेक्चर में हमने आपको रेंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था। रेंडम एक्सपेरिमेंट एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें एक से ज्यादा आउटकम होगी, ये नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2 कंडीशन है कि किसी भी आउटकम को हम पहले से बता नहीं सकते हैं कि ये आउटकम आएगी ही, तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट को हम लोग रेंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब आउटकम क्या है, आउटकम के बारे में मैं यहां बताया हूं। ए पॉसिबल रिजल्ट ऑफ ए रेंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन आउटकम। मतलब रेंडम एक्सपेरिमेंट में संभावित रिजल्ट्स को हम लोग आउटकम कहते हैं। यहां पर नंबर 2 इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वली लाइकली आउटकम वो सब आउटकम है जिसमें कि हर आउटकम आने की चांस बराबर होता है, यानी कोई भी आउटकम आने की चांस शेष आउटकम्स आने की चांस से ना तो कम होगी ना तो ज्यादा होगी। इस तरह का आउटकम्स को हम लोग इक्वली लाइकली आउटकम्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जब हम कोई भी कॉइन को उछालते हैं तो हेड आती है या टेल आती है, तो हेड आने की चांस या टेल आने की चांस बराबर है। दोनों में से किसी का आने की चांस दूसरों से ज्यादा नहीं होती है या कम भी नहीं होती है, तो इस तरह का आउटकम्स को हम लोग इक्वली लाइकली आउटकम्स कहते हैं। अब हम लोग क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी के बारे में बताऊंगा। क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में क्या होती है, ये इक्वली लाइकली आउटकम्स के द्वारा ही इसका प्रोबेबिलिटी निकाला जाता है। इसमें मेन मुद्दा है कि इक्वली लाइकली आउटकम लेना है, तो किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्लासिकल थ्योरी में होगा कि रेशियो निकालना है, अनुपात। किस किस का अनुपात, कि इवेंट में कितना नंबर ऑफ आउटकम्स है और इसके साथ अनुपात होगी कि टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब हम लोग सैंपल स्पेस के बारे में बताएंगे। सैंपल स्पेस क्या है, कि जितने आउटकम हो सकती है, पॉसिबल आउटकम हो सकती है, सबको कलेक्शन करके एक सेट बना लेंगे और उस सेट को हम लोग सैंपल स्पेस कहते हैं। तो सैंपल स्पेस को हम लोग सिंबल एस से डिनोट करते हैं। अभी सैंपल स्पेस का एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। यहां पर एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है कि अगर कोई डाई को यानी पासा को हम लोग उछालते हैं तो क्या क्या आती है आउटकम, 1, 2, 3, 4, 5 या 6।
ये सब आउटकम्स को कलेक्शन कर लेते हैं, एक सेट बना लेते हैं, उस सेट का नाम एस। ये सेट एस, ये आउटकम्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 को एलिमेंट के रूप में रखेगी। तो ये सेट हो गया सैंपल स्पेस। जब कोई कॉइन को हम लोग टॉस करते हैं तो आउटकम्स क्या क्या होती है, हेड या टेल। हम लोग ये आउटकम्स को कलेक्ट कर लिया और एक सेट बना लिया जिसका नाम है एस। तो एस हो गया सैंपल स्पेस। अब हम लोग सैंपल पॉइंट के बारे में बताएंगे। सैंपल स्पेस में किसी भी एलिमेंट को हम लोग सैंपल पॉइंट कहते हैं। जैसे यहां पर 1 इस सैंपल स्पेस का एक एलिमेंट है, तो 1 को हम लोग सैंपल पॉइंट कहेंगे, 2 को सैंपल पॉइंट कहेंगे। इसी तरह से कोई भी एलिमेंट को हम लोग सैंपल पॉइंट कहेंगे। अभी इवेंट के बारे में, इवेंट क्या है, ये सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट को हम लोग इवेंट कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जब हम लोग कोई भी डाई को यानी पासा को उछालते हैं तो मान लेते हैं कि इवेंट नंबर आना है, तो इवेंट नंबर्स जो आएगी ये सब को कलेक्शन कर लेते हैं। इवेंट नंबर क्या क्या है डाई को उछालने से, 2, 4, 6। तो इस कलेक्शन को एक सेट बोलते हैं। ये सेट का नाम ई दे दिया। ई किसको किसको रखेगा, 2, 4 और 6। चूंकि सैंपल स्पेस में हम लोग का एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहां पर देख रहे हैं कि ई सबसेट है एस का, इसलिए ई एक इवेंट हो जाएगी। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, अगर कोई दो इवेंट मान लेते हैं E1 एक इवेंट है, E2 दूसरा इवेंट है, ये दोनों का इंटरसेक्शन अगर फाई मतलब नाल सेट, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं मिलेगी, तो इस तरह का इवेंट्स को हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जब कोई भी डाई यानी पासा को उछालते हैं तो मान लेते हैं कि ऑड नंबर आना, तो ऑड नंबर आना वाला इवेंट को E1 बोला, और इवेंट नंबर आना उस तरह का इवेंट को E2 बोले। तो E1 में 1, 3, 5 होगी और E2 में 2, 4, 6। अब दोनों को इंटरसेक्ट कर लेते हैं, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है दोनों में, तो 5 हो जाएगी इंटरसेक्शन। तो इसीलिए E1 और E2 दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में हम लोग देखे हैं कि हर आउटकम कैसे होते हैं, इक्वली लाइकली, मतलब हर आउटकम आने की चांस बराबर होती है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं है, हर जगह ये संभव नहीं है। जब नहीं है तो इस तरह का परिस्थिति को मुकाबला करने के लिए एक रशियन मैथमेटिशियन A.N. कोल्मोगोरोव, जो कि 1933 में एक किताब लिखे थे, किताब का नाम है फाउंडेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसमें कि उन्होंने एक्सियोमेट्रिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी के बारे में बताए हैं। अभी हम लोग एक्सियोमेट्रिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन देंगे, जिसमें माना कि एस एक सैंपल स्पेस है, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का एक सैंपल स्पेस है एस। तो प्रोबेबिलिटी पी एक रियल वैल्यूड फंक्शन है,
जिसका डोमेन है कि पावर सेट ऑफ एस, और चूंकि ये रियल वैल्यूड फंक्शन है इसीलिए कोडोमेन हो जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर्स। और ये भी बताए हैं कि रेंज क्या होगा, क्लोज इंटरवल 0-1। हम लोग यहां पर देख लेते हैं, यहां पर ये पावर सेट ऑफ एस ये डोमेन है और कोडोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर्स आर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, और पी एक फंक्शन है ये कोडोमेन हो गया, और रेंज ये रेंज है, रेंज है क्लोज इंटरवल 0-1। चूंकि ये पावर सेट एस मतलब एस का जितना सबसेट्स हो सकती है सबका कलेक्शन है, तो अगर ई वन एस का एक सबसेट है तो ई वन पावर सेट में बिलोंग करेगा, तो ई वन पावर सेट का एक मेंबर हो जाएगा। और इसका इमेज यहां पर पी ई वन, चूंकि रेंज का मतलब है कलेक्शन ऑफ ऑल इमेज, मतलब पी ई वन ये रेंज के अंदर में आ जाएगी, और चूंकि रेंज है एक क्लोज इंटरवल 0-1, मतलब पी यू वन का वैल्यू क्लोज इंटरवल 0-1 के बीच में होगा, यानी पी ई वन ये पहला नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो एक्जियोमेट्रिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी में कुछ एक्जियम्स है, ये एक्जियम क्या क्या है, फॉर एनी इवेंट ई पी ई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यार हम लोग देखें कोई भी इवेंट ई वन है उसका प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी यहां पर एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ ई वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा एक्सियम है पी एस इक्वल टू 1, एस तो सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी 1 है। तीसरा नंबर है अगर E1 और E2 दो तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब E1 इंटरसेक्ट E2 फाई नल सेट, तो E1 का इमेज हो गया P1, E2 का इमेज हो जाएगा PE2। तो E1 यूनियन E2 भी एक सबसेट है एस का, मतलब यह भी एक इवेंट हो गया, तो इसका इमेज मतलब पी ई वन यूनियन ई टू इक्वल टू पी ई वन प्लस पी ई टू होगी थर्ड नंबर एक्सियम। तो ये सब एक्सियम के साथ इस फंक्शन पी को हम लोग एक्सियोमेट्रिक अप्रोच में प्रोबेबिलिटी कहेंगे। अभी हम लोग एक थ्योरम प्रूव करेंगे, थ्योरम है पी फाई इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई, फाई एक नल सेट है। एक्सियोमेट्रिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी में एक्सियम थ्योरी में हम लोग जानते हैं कि अगर E1 और E2 दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है तो P E1 यूनियन E2 इक्वल टू P E1
प्लस पी ई टू ये नंबर वन है, चूंकि फाई सबसेट है सैंपल स्पेस का, तो फाई एक मेंबर हो जाएगा पावर सेट ऑफ एस और ई वन इंटरसेक्ट फाई, ये फाई तो ई वन और फाई देयरफॉर ई वन एंड फाई आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ई टू को रिप्लेस कर, रिप्लेसिंग ई टू बाय फाई हम लोग को मिलेगा पी ई वन यूनियन फाई इक्वल टू पी ई वन प्लस पी फाई। तो पी ई वन यूनियन फाई मतलब पी ई वन राइट साइड में पी ई वन प्लस पी फाई, तो दोनों साइड से पी ई वन को कैंसिल अगर कर देंगे तो पी फाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया एक्सियोमेट्रिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी के एक्सियम्स के सहारे हम लोग कुछ डिडक्शन निकालेंगे। माना कि एस एक सैंपल स्पेस है जिसमें आउटकम्स डब्लू वन डब्लू टू डब्लू एन है, एक सेट डब्लू जे जे वन टू एन में से कोई है, तो ये सबसेट हो जाएगी एस का। तो ये सेट ये मेंबर हो जाएगी पावर सेट ऑफ एस सैंपल स्पेस। तो इसका इमेज पी डब्ल्यू जे का इमेज क्लोज इंटरवल 0-1 के बीच में होगी। कन्वीनियंस के लिए हम लोग लिख सकते हैं, वी मे राइट पी डब्ल्यू जे बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0-1, माना कि ये नंबर वन है। हम लोग जानते हैं फाई सबसेट है एस का, तो फाई मेंबर है पावर सेट ऑफ एस और पी फाई हम लोग जानते हैं पी फाई इक्वल टू जीरो, ये नंबर टू। तो हम लोग को मिलती है पी डब्ल्यू जे जीरो और वन के बीच में, ये नंबर थ्री। एक सेट डब्ल्यू जे को रखते हैं, दूसरा सेट डब्ल्यू के को रखते हैं, जे और के वन टू थ्री करते करते एन तक का कोई मेंबर होगा, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है फॉर जे नॉट इक्वल टू के। इसी तरह सिमिलरली सेट कंटेनिंग एलिमेंट डब्ल्यू वन सेट कंटेनिंग एलिमेंट डब्ल्यू टू डॉट 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 सेट कंटेनिंग एलिमेंट डब्ल्यू एन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव।
therefore P set containing element W1 union set containing element W2 union dot 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 union set containing element Wn equal to P set containing element W1 plus P set containing element W2 plus dot 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 P set containing element Wn. We may write this P W1 plus P W2 plus 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 P Wn. Here left side is PS. Left side का जो ये bracket के भीतर का union sample space S के बराबर है, तो चूंकि पी एस इक्वल टू वन है तो लेफ्ट साइड वन हो गया, इसीलिए राइट साइड में जो है वैसा ही लिखेंगे. पी डब्ल्यू एन ये नंबर फोर हो गया. माना कि E एक इवेंट है जिसमें एलिमेंट्स है W1, W2, W3. तो पीछे के जैसा, जैसे यहां पर PS इक्वल टू PW1 प्लस PW2 प्लस प्लस PWN है, उसी तरह PE इक्वल टू PW1 प्लस P W2 प्लस प्लस पी W3. इसको हम लोग जनरलाइज्ड वे में लिख सकते हैं, पी ई इक्वल टू सिग्मा ऑफ पी डब्लू आई, डब्लू आई बिलोंग्स टू ई. ये फाइव नंबर हो गया. फ्रॉम थ्री फोर एंड फाइव, ये थ्री ये फोर और फाइव से हम लोग को मिलेगा नंबर वन पी ई. ई अगर कोई इवेंट है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू वन. नंबर टू पी डब्लू वन प्लस पी डब्लू टू प्लस डॉट 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 पी डब्लू एन इक्वल टू वन. नंबर थ्री ई अगर कोई इवेंट है तो पी ई इक्वल टू सिग्मा पी डब्लू आई, डब्लू आई बिलोंग्स टू इवेंट ई. अभी हम लोग इक्वली लाइकली आउटकम्स का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और साथ साथ एक्सियोमेट्रिक अप्रोच में किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, जिसमें कि ये आइडिया इक्वली लाइकली आउटकम का आइडिया लगा हो. तो माना कि सब आउटकम इक्वली लाइकली है. अगर डब्लू आई कोई आउटकम है, कोई भी आउटकम है, तो सभी आउटकम का प्रोबेबिलिटी सेम होगा. तो पी डब्लू आई इक्वल टू स्मॉल पी, ये प्रोबेबिलिटी हो गया. आई वन टू एन. तो डिडक्शन का टू से हम लोग को मिलती है क्या,
PW1 प्लस PW2 प्लस 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 PWN 1 है। तो चूंकि ये किसी भी आउटकम का प्रोबेबिलिटी स्मॉल p है, तो स्मॉल p प्लस स्मॉल p प्लस 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 स्मॉल p ये n टाइम्स हो गया, तो ये 1 हो गया। मतलब एन पी इक्वल टू 1, मतलब p इक्वल टू 1 बाई n, ये नंबर 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी आउटकम इक्वल टू 1 बाई n। माना कि हम लोग के पास इवेंट e है, लेट e बी एन इवेंट सच दैट एन ई इक्वल टू एम, मतलब इस इवेंट में एम नंबर आउटकम्स है। तो चूंकि एक आउटकम का प्रोबेबिलिटी 1 बाई एन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 आउटकम इक्वल टू 1 बाई एन, और ई में इवेंट में एम आउटकम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम आउटकम्स वन बाय एन मल्टीप्लाई एम। तो एम आउटकम है ई इवेंट में, तो ई इवेंट का प्रोबेबिलिटी हो गया एम बाय एन। इसको लिख सकते हैं हम लोग, एम का मतलब नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई बाय नंबर ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स इन सैंपल स्पेस एस। अभी हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल है लेट ए सैंपल स्पेस एस, एस में आउटकम्स है W1, W2, WN। अब बताना है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग असाइनमेंट्स ऑफ द प्रोबेबिलिटीज टू ईच आउटकम आर वैलिड। ये सब में जो टेबल दिया हुआ है इसमें से कौन वैलिड वाला है। तो यहां पर आउटकम दिया हुआ है, आउटकम है W1, W2, W3, W4, W5, W6। पहला रो में ए में W1 का प्रोबेबिलिटी 1 बाई 6, W2 का प्रोबेबिलिटी 1 बाई 6, इसी तरह W3 का प्रोबेबिलिटी 1 बाई 6, इसी तरह W6 का प्रोबेबिलिटी 1 बाई 6। बी नंबर में यहां पर W1 का प्रोबेबिलिटी 1, W2 का प्रोबेबिलिटी 0, इसी तरह सभी का प्रोबेबिलिटी 0 है। इसी तरह बाकी रो में जो भी आउटकम्स है उसके नीचे प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। हमें देखना है कि ये सब वैलिड है कि नहीं ये डाटा। तो नंबर ए को पहले सॉल्व करते हैं। ए में देखते हैं किसी भी आउटकम का प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो 1/6 0 और 1 के बीच में है, तो PWI 0 और 1 के बीच में हो गया। फिर टेस्ट करेंगे कि सबका जोड़, सब प्रोबेबिलिटी का जोड़ 1 होता है कि नहीं। हम लोग 1/6 सभी प्रोबेबिलिटी को जोड़ लिया, तो ये देखेंगे कि 1 हो गया।
तो ए नंबर वैलिड हो गया, देयरफॉर ए इज वैलिड। क्योंकि हमको देखना है, चेक करना है कि प्रोबेबिलिटी सब जीरो और वन के बीच में है कि नहीं, और सभी आउटकम्स का प्रोबेबिलिटी का जोड़ वन है कि नहीं। अभी हम लोग बी नंबर को देखेंगे। बी नंबर में डब्ल्यू वन का प्रोबेबिलिटी वन है, डब्ल्यू टू का प्रोबेबिलिटी जीरो है, इसी तरह सभी आउटकम्स का प्रोबेबिलिटी जीरो है बाकी सबका। तो प्रोबेबिलिटी वन है और जीरो है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी आउटकम का प्रोबेबिलिटी जीरो और वन के बीच में हो गया। दूसरा नंबर, अगर सबका प्रोबेबिलिटी को जोड़ेंगे, वन प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, तो वन हो जाएगा। तो सभी प्रोबेबिलिटी का जोड़ वन हो गया, तो ये वैलिड हो गया। क्योंकि वैलिड के लिए हमें चेक करना है कि किसी का भी आउटकम का प्रोबेबिलिटी जीरो और वन के बीच में होना है। दूसरा, सभी आउटकम्स का प्रोबेबिलिटी का जोड़ वन होना है। अब सी नंबर देखें। सी नंबर में है, यहां पर देख रहे हैं डब्ल्यू फाइव का प्रोबेबिलिटी कितना है, माइनस वन बाई फोर, जो कि जीरो और वन के बीच में नहीं है। तो ये वैलिड नहीं है, इज नॉट वैलिड। अब डी नंबर को देखे, डी में देखे डब्ल्यू सिक्स का प्रोबेबिलिटी, डब्ल्यू सिक्स का प्रोबेबिलिटी थ्री बाई टू है, ये भी जीरो और वन के बीच में नहीं है, मतलब क्लोज इंटरवल जीरो वन में नहीं है, इसीलिए ये भी वैलिड नहीं है। तो ये इज नॉट वैलिड। अभी हम लोग ई नंबर को सॉल्व करेंगे। ई नंबर में देखते हैं कि W1 का प्रोबेबिलिटी 0.1 है, W2 का प्रोबेबिलिटी 0.2 है, W3 का प्रोबेबिलिटी 0.3 है, W4 का प्रोबेबिलिटी 0.4 है, W5 का प्रोबेबिलिटी 0.5 है, W6 का प्रोबेबिलिटी 0.6 है। तो हर आउटकम का प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में है, तो ये सही है प्रोबेबिलिटी के लिए। दूसरा टेस्ट देखते हैं कि सभी आउटकम का प्रोबेबिलिटीज को जोड़ते हैं, जोड़ने से अगर वन हो जाए तब समझ जाएंगे कि ये वैलिड है। तो जोड़कर देखते हैं, 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 0.6, तो ये 2.1 है, जो कि 1 के बराबर नहीं है। तो 1 के बराबर नहीं हुआ तो ये वैलिड नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट वैलिड। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छी लगी होगी तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें तथा मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।